हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सर्चिंग मेथड्स विच आर यूज्ड टू लोकेट एविडेंसेस प्रेजेंट ऑन द सीन ऑफ क्राइम। सो आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन सर्चिंग ऑफ क्राइम सीन हैज़ टू बी डन। सो पहले तो हमारा प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में हम वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करते हैं। उसके बाद की स्टेप होती है कि एविडेंसेस को सर्च करना और उन्हें कलेक्ट करना। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से सर्चिंग मेथड्स यूज होते हैं एविडेंस को लोकेट करने के लिए सीन ऑफ क्राइम पर। एंड नाउ द एविडेंसेस इंक्लूड्स फायरआर्म एविडेंस, ट्रेस एविडेंस, टूल मार्क एविडेंस, बॉडीली फ्लूइड्स और फिंगरप्रिंट्स। हमें या तो फायरआर्म एविडेंस मिल सकता है क्राइम सीन पर, ट्रेस एविडेंस मिल सकता है, टूल मार्क, बट हम इन सारे एविडेंसेस को जनरली जाके कलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ सर्चिंग मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है जिससे हम बिना कंटामिनेट हुए एविडेंस को प्रॉपरली लोकेट करके उसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट मैथड इज स्ट्रिप मैथड और लाइन मैथड। द होल एरिया इज डिवाइडेड इन टू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। वेन एवर द होल एरिया इज सर्च्ड, द एविडेंस फाउंड शुड बी प्रॉपरली कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। द प्रोसेस शुड कंटिन्यू टिल द होल एरिया हैज़ बीन सर्च्ड। सो जो स्ट्रिप और लाइन मैथड होती है, इसमें पूरा एरिया डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में और पूरा एरिए को सर्च करते हैं, और उस सर्चिंग के बीच में जो भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ये जनरली हम लार्ज या आउटडोर क्राइम सीन के लिए करते हैं, और ये बहुत सिंपल मैथड होती है। एक सिंगल इन्वेस्टिगेटर भी इस मैथड के थ्रू एविडेंस को लोकेट कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है। दिस फिगर रिप्रेजेंट्स स्ट्रिप और लाइन मेथड। इस फिगर के थ्रू हम देख सकते हैं जो स्क्वायर पार्ट है ये सीन ऑफ क्राइम है, और ये नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइडेड है। एंड कैसे इन्वेस्टिगेटर एविडेंसेस इस मेथड के थ्रू सर्च करता है। सो द नेक्स्ट वन इज द स्पायरल मेथड। हियर द सर्च इज स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड ऑफ द क्राइम सीन, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्राइम सीन। द सर्च शुड बी स्टार्टेड इन बोथ क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इट शुड बी कैरीड आउट इन स्पायरल टिल द फोकल पॉइंट ऑफ द क्राइम सीन। सो इन स्पायरल मेथड हम सर्च जनरली परफॉर्म करते हैं कोई भी वन एंड ऑफ द क्राइम सीन से, या फिर हम कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज सेंटर है क्राइम सीन का, तो वहाँ से हम अपनी सर्च स्टार्ट करेंगे। हम कोई भी दो पैटर्न में से कर सकते हैं, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और हमें इस सर्चिंग मेथड को स्पायरली परफॉर्म करना। सो दिस फिगर रिप्रेजेंट स्पायरल मेथड। हेयर द वन पॉइंट इज सिलेक्टेड, और वी कैन से द सेंटर पॉइंट, एंड द सीन इज सर्च स्पायरली टिल द फोकल पॉइंट ऑफ द क्राइम सीन। नाउ द थर्ड मेथड इज द जोन मेथड। इन दिस सर्चिंग मेथड द सीन इज डिवाइडेड इन टू स्मॉल जोन्स, देन दोज जोन्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू फोर जोन्स। जो जोन मेथड होता है उसमें जनरली जो क्राइम सीन होता है वो स्मॉल जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो स्मॉल जोन्स फर्दर हम फोर जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। सो दिस फिगर रिप्रेजेंट्स जोन मेथड। सो इस फिगर में हमने क्राइम सीन को स्मॉल जोन्स में डिवाइड करा है ए बी सी डी, एंड वो हर एक जोन को फिर फर्दर हमने डिवाइडेड किया है फोर जोन्स में, और उस जोन्स में इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेटर्स को अलॉट कर दिया जाता है ताकि वो एविडेंसेस को लोकेट करे और कलेक्ट कर सके। नाउ द फोर्थ वन इज़ द ग्रिड मेथड। इट इज़ द एडवांस फॉर्म ऑफ स्ट्रिप मेथड। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिगिंस टू सर्च लाइक अ स्ट्रिप मेथड। सो द सर्च इज़ डन इन हॉरिजॉन्टल लेन्स एट राइट एंगल्स टू द ओरिजिनल स्ट्रिप। द सर्च इज़ डन फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स। सो जो ग्रिड मेथड होती है वो एडवांस फॉर्म होती है स्ट्रिप मेथड की। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो स्ट्रिप मेथड में वर्टिकली सर्च परफॉर्म करता है, बट हमें ग्रिड मेथड में हॉरिजॉन्टली भी करना है, मतलब दो डिफरेंट एंगल्स पे हमें सर्च परफॉर्म करनी है। सो दिस फिगर रिप्रेजेंट्स ग्रिड मेथड। हमें इसमें दो एंगल्स से सर्च करना होगा, वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। नाउ द फिफ्थ मेथड इज द व्हील मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज पाई मेथड। द एरिया इज डिवाइडेड जस्ट लाइक द सेक्शन ऑफ द व्हील्स, विच आर यूजुअली सिक्स इन नंबर, एंड द इन्वेस्टिगेटर मूव्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इन सर्च ऑफ द एविडेंसेस।
जो व्हील मेथड होती है इसे जनरली पाम मेथड भी बोला जाता है, और ये एक व्हील की तरह हमें दिखती है। जैसे व्हील में स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे वो एरिया स्पोक्स के थ्रू वो डिवाइडेड होता है अलग अलग सेक्शंस में, वैसे ही ये व्हील मेथड होती है, वो उसमें 6 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। और इन्वेस्टिगेटर हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में क्राइम सीन पे मूव करता है एविडेंस को लोकेट करने के लिए। नाउ दिस फिगर रिप्रेजेंट्स व्हील मेथड। इस मेथड के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं कि कैसे ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, और इन्वेस्टिगेटर हर पार्ट से क्राइम सीन के एविडेंसेस को लोकेट कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच हैज़ टू बी रिमेंबर व्हाइल सर्चिंग ऑन द क्राइम सीन। सो द फर्स्ट इज द सर्चिंग ऑफ एविडेंसेस विद द नेकेड आई। सेकंड, मेक यूज ऑफ मैग्नीफायर्स एंड अदर लाइट सोर्सेज। सो हमें कोई भी मैग्नीफायर्स का यूज करके या अदर लाइट सोर्सेज का यूज करके प्रॉपरली एविडेंसेस को सर्च करना। अगर हमें कोई भी तरह के ट्रेस एविडेंसेस मिलते हैं क्राइम सीन पे, तो हम उसे कैसे सर्च करेंगे? तो हम या तो कोई भी पाउडर मेथड्स का यूज कर सकते हैं उसे ईजिली लोकेट करने के लिए। आयोडीन फ्यूमिंग गन्स शुड बी यूज टू लोकेट फिंगरप्रिंट प्रेजेंट ऑन द सीन ऑफ क्राइम। हम आयोडीन फ्यूमिंग गन्स का यूज़ करते हैं अगर हमें फिंगरप्रिंट एविडेंसेस को लोकेट करना है क्राइम सीन पे, तो उन केसेस में हमें आयोडीन फ्यूमिंग गन्स यूज़ करना है ताकि हम ईजिली उसे लोकेट कर सकें। केमिकल्स शुड बी यूज टू लोकेट ब्लड ट्रेसेस प्रेजेंट ऑन द सीन ऑफ क्राइम। अगर हमें ब्लड ट्रेसेस मिले हैं क्राइम सीन पे, तो हम केमिकल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं उसे ईजिली लोकेट करने के लिए। Thank you for watching this video. If you like my videos, then don't forget to subscribe my YouTube channel for more updated videos.